हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज का जो स्टॉक शेयर में जो रिव्यू देखने वाले हैं वो है जागरण। उसका टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाते हुए हम देखेंगे किस तरह से ये हमारे लिए हमारे पोर्टफोलियो में एक हेल्दी रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो आइए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए हम पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, एक रिव्यू होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी हम शेयर खरीदते हैं या जो भी शेयर है उसका एक सेक्टर के हिसाब से वो कंपनी की सर्विसेज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो दोस्तों एक चीज है, इसके सेक्टर है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। जागरण प्रकाशन 1942 में फाउंड हुआ था बाय फ्रीडम फाइटर लेट श्री पूरन चंद्र गुप्ता से। जागरण प्रकाशन मीडिया में है, इंटर स्पैनिंग एंड अक्रॉस प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एफएम, रेडियो, डिजिटल, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिवेशन बिजनेस। तो ओवरऑल ये एक तरह से प्रमोशंस, पब्लिशिंग्स एंड मोस्ट, या आप इन वर्ड से ऑलरेडी अवेयर हो, तो ये ओवरऑल ये ऐसी है, इन शॉर्ट देखा जाएगा तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज भी कहा जा सकता है इसे। तो ये सारी चीजें हैं, सर्विस रिलेटेड भी बन सकती है। तो मैंने आपको वापस दोबारा कहना चाहूंगा, मैं हर जो सर्विस कंपनी जो होती है, सर्विस देने में बहुत डिफिकल्ट होती है और सर्विस ही लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो ये एक तरह से प्रमोशनल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, हर चीज, एडवर्टाइजिंग, ये हर चीज में रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, आज के तारीख में डिजिटल हो गया है तो ये लोग डिजिटल में भी है। तो जिस तरह से जैसे एडवर्टाइज हो रही है, अब न्यूज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं कि एडवर्टाइजमेंट हो गई है, न्यूज़ हो गए, मैसेजेस हो गए, तो उस हिसाब से जरिए इसके मीडियम है जो ये लोग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल दैनिक जागरण से बहुत जनों को मालूम नहीं होगा तो आप गूगल कर सकते हो, बेसिकली ये नॉर्थ साइड में काफ़ी मशहूर है। And the group publishes many from various states in different languages and has many digital media portals. In addition, through radio, it has operations at 39 FM station beside web station. The group flagship brand Dainik Jagran continues to the integral to Indian socio-cultural fabric and it's uninterruptedly the largest read daily in India since 2000. The company is public limited and it's listed in BSE as well as in NSE. ये किन चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया है तो इसमें एक बिजनेस एरिया का भी होते देख लेते हैं। जागरण प्रकाशन इज एंगेज प्राइमरली इन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन इंडिया। तो इनका जो मेन जो प्राइमरी बिजनेस है वो है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जो मैसेजेस जो होते हैं, जो हम डेली जो न्यूज़ हमें अपडेट होते हैं थ्रू इनके थ्रू, ये एक चीज़ है। The other activities of company comprise outdoor advertising business, event management and activation services and digital business. Product and services offered by these companies are print, radio, digital, activation, outdoor hoardings and then social initiatives. ये overall इसका business area of company है और ये ऐसे business है जो हर चीज़ में requirement लगती है, ठीक है। बस अब जैसे ये सिचुएशन आई थी कोरोना सिचुएशन के पीरियड में, तो एक्टिवेशन का ये हुआ था, लेकिन डिजिटलाइजेशन काफ़ी बहुत बढ़ चुकी थी। न्यूज़पेपर भी इंटरफेस जो है सब मोबाइल पे रीड होने लगे। तो ये ओवरऑल जब हम देखते हैं तो कंपनी हर चीज़ रिलेटेड में है और आने वाले जैसे सिचुएशन बदलेगी तो ये बैक टू जब स्टेज आएगा तो इसकी डिमांड कितनी होगी। तो दोस्तों, इसके मैंने तो फिलहाल अभी इसके जो अवार्ड्स की बात करें तो इसने काफ़ी काफ़ी अवार्ड जीते हैं और इस पर तो मैंने काफ़ी कमी दिए, तो इसलिए मैंने लेटेस्ट के हिसाब से लगा है। अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। बस एक ओवरऑल देखते हैं कि इसने काफ़ी काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। जो अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, उसकी एक तरह से गुडविल वो क्रिएट करता है। तो जागरण की अगर बात करें ओनरशिप, तो दोस्तों ओनरशिप अभी थोड़ी स्लाइटली में चेंजेस है, तो वो हम देखेंगे क्या बेसिस पे, लेकिन इसकी जो है थोड़ी एक गड़बड़ हुई है जो रिसेंटली हुई है वो हम देखेंगे। एट्रैक्ट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये बहुत बहुत सस्ते दाम में आज के तारीख में मिल रहा है। इसकी
एसेट एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल्स थोड़े वीक है बिकॉज ऑफ दी कोरोना सिचुएशन, लेकिन अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे कंपनीज के मुकाबले में तो ये एक तीसरे नंबर पे आती है, जो काफ़ी टक्कर की बात आती है और काफ़ी काफ़ी नामी कंपनी भी है, कोई इस तरह से भी नहीं है। जब हम बात करते हैं इसकी कंपनी एशियन शेयर्स, तो इसकी जब बात करते हैं मार्केट कैपिटल है 1610 करोड़, एंटरप्राइजेस वैल्यू की बात करें तो 1781 करोड़ की बात आती है। कंपनी के डेप्स भी है तो, लेकिन इतने जाने ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, वो भी हम आगे देखेंगे तो वो ज़रूर देखिएगा क्या है। अगर हम प्राइस समरी की बात करें, जो मैं आपको बताया ये काफ़ी सस्ते में मिल रही है, तो दोस्तों ये जो 52 वीक का जो लो गया था वो 30 रुपये गया था, और 52 वीक गया था वो 70 के आसपास मान के चलो गया था। आज का जो भाव सर्वाइव कर रहा है वो है 61, आज का हाई है जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और जो लो था वो 58 है। तो ये दो करेंटली मार्केट इसके प्राइस रेंज पे सस्टेन कर रहा है, तो ये ओवरऑल हमारी प्राइस। दोस्तों जो मैं आपको बात कर रहा था इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो दोस्तों इसमें हमें प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रमोटर्स प्लेज, जो इन्होंने जून से कंटिन्यूसली शुरुआत की थी। आप देखोगे मार्च में इसका कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कोरोना सिचुएशन आया इनका, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेज जब होती है तो डिसएडवांटेज होता है, कोई एक कारण होता है किस तरह से, वो बेसिस पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये प्लेज मुझे ऐसा लगता है शायद ये टेम्पररी पीरियड है, बाद में वो निकल जाएगा, लेकिन आज के तारीख में इसको देखेंगे प्रमोटर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो इसने भले प्लेज लिया है लेकिन इसका एक कारण है, तो आप गूगल कर सकते हो उस बेसिस पे। लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है टाइम बिंग के बाद ये हट जाएगा इसका प्लेज। तो जब मेन हमारा कंसेप्ट पे आते हैं टेक्निकल के ऊपर, तो दोस्तों ये मंथली का टाइम फ्रेम है, तो मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो आपको, जो लास्ट टाइम का जो लो मारा है 35, जो मैंने आपको बताया 52 वीक का है, करंट मार्केट प्राइस 61 पे सस्टेन कर रहा है। आप देख रहे हो ये मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी काफ़ी गिरावट आ चुकी है मार्केट सस्टेन पे। तो दोस्तों अभी कैसे करंट सिचुएशन में, अब मैंने आपको जिसमें हमको बताए थे जून से इसने 2000 से प्लेज लेना शुरू किया, मार्केट की काफ़ी गिरावट आई, बहुत सारे जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, काफ़ी काफ़ी लोगों ने इस पर बाइंग रिकमेंड करके रखा है 70 पे, ये फिर एवरेज करके आए, तो लेकिन सिचुएशन क्या गई 70 से 35 आ गया, घटते गई। लेकिन दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें करेक्ट टाइम है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये आने वाले सालों में कम से कम लगभग समय लगेगा थोड़ा, लेकिन साल से 5 सालों में ये आपको इसके अंदर 120 के ऊपर आपको नजर आएगा, ठीक है। और जब जिनकी होल्डिंग है वो इसके अंदर होल्ड रख सकते हैं, और जिन्हें फ्रेश एंट्री करने की सोचनी है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप सोच सकते हो, लेकिन ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से है, तो आप अपने फाइनेंशियल से एडवाइजर से सलाह लेते हुए ज़रूर इसको पूछिएगा। तो जब हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना है, और बाकी जो सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई मारा था वो 216 के हिसाब से था। तो आने वाले दिनों में मुझे नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जैसी ही 72 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, इसमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आएगी जो 116 से तलक नज़र आएगी। जब 116 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा मार्केट, तब जाके ये 216 को नज़र आएगा, लेकिन 216 आने के लिए काफ़ी समय है दोस्तों। ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 216, लेकिन कितने टाइम में आएगा 216 बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों एक चीज़ है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल तक मेरे हिसाब से साल भर के अंदर ये 116 आना चाहिए, लेकिन एक तरह से जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी आप लेके चलते हो, मान के चलो अगर आप इसके अंदर 10 से 20 हज़ार भी इन्वेस्टमेंट डाल के आप छोड़ दोगे तो भी आपको इसमें एक अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है, कोई ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस कम होंगे और एक अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती है। जब हम बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो दोस्तों देखिए इसने कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से बनाया है, और ये जैसे ही 61 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसका फर्स्ट जो टारगेट आएगा इंस्टेंटली वो है 62। लेकिन मैं आपसे दोस्तों सजेस्ट यही कहूँगा कि जैसे ही ये 62.54 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तभी इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है, अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है,
जिसका टारगेट 105 है। दोस्तों मैं मोस्टली एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, भले सेफ साइड मेरा हमेशा ऑप्शंस में होता है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में मुझे सही लगा है, क्योंकि क्या है ना, 2 रुपया 3 रुपये ये स्टॉक एक डिफरेंट आ जाता है दोस्तों। 10-20 हज़ार की बात आती है ना, तो उसमें सेफ एग्रेसिव कोई मायने नहीं रखता है। तो वो टाइम पे अगर आप चाहो, मैं इसके अंदर 62 का वेट करूँ, इतना समय भी पॉसिबल होता है तो नहीं भी होता है, तो और भी ट्रेड्स होते हैं, तो बेटर है। मैंने इसको 61 पे ऑलरेडी परचेस करके ले चुका हूँ और आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी तेजी नजर आएगी। तो ये एक था। अगर आपको स्टॉप लॉस पे लेके चलना है तो मैं आपको बता दूं, चार्ट पे अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होना शुरू करेगा तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ये इनवैलिड कब होगा? जब वो 62 से एक्टिवेट होगा तब। इंस्टेंटली अगर कोई देख रहा है तो वो नीचे जाता है तो इसका मतलब नहीं कि पैटर्न इनवैलिड हो गया, ठीक है। हम जब डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेटर है आप वेट कीजिए। ये तो मेरा रिस्क था जो मैंने इसको पहले ही ले लिया है, लेकिन अगर आप रुकना चाहते हो तो रुकिए और इसको वेट कीजिए 62 के ऊपर सस्टेन करने का। जैसे ही 62 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो एक्सपेक्ट करते हैं 10-30% महीने भर के लिए रिटर्न्स के लिए, और आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मेरे महीने भर के अंदर ही, मोस्टली वीकली टू 15 डेज के अंदर ही 20% रीच हो जाते हैं। तो एवरेज भी दोस्तों अगर देखोगे 10-20% भी मिल जाता है महीने भर में तो बहुत अच्छा है, आप उसमें इजीली ट्रेड करके निकल सकते। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए दोस्तों टारगेट अभी यहाँ पे नजर आ रहा है 73 के उस हिसाब से, तो अपने हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए, डिसाइड कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए किस तरह से ट्रेड करना है, उसी हिसाब से आप एक जजमेंट करते हुए फिर एंट्री कीजिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी हमारी स्टॉक रिव्यू, शेयर रिव्यू ऑन टेक्निकल फंडामेंटल ऑफ जागरण के ऊपर। दोस्तों आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भूलिए नहीं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। और दोस्तों मेरे लेटेस्ट में ऑप्शंस और हेज ट्रेड्स मोस्टली प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है, तो वो लेटेस्ट प्री कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देख सकते हो किस तरह से अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे, focus, focus, settle up.